हाय, दिस इज़ राइस एंड यू आर वॉचिंग चैनल 9 PK। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक ट्रांसजेंडर अशीमेल एक ख्वाजा सरा की स्टोरी है। उसका कहना है कि जब मैं 10 साल का था तो वाले साहब फोत हो गए, और जब मैं थोड़ा सा एज में ज़्यादा बड़ा, थोड़ा सा एज मेरी ज़्यादा हुई तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर वो बॉयज़ वाले, लड़कों वाले गट्स नहीं है। मुझे लड़की वाले कपड़े पहनना अच्छे लगते थे, मुझे दुपट्टा करना अच्छा लगता था, मुझे लिपस्टिक वगैरह लगानी अच्छी लगती थी। और जब मेरी माँ को पता चला तो वो काफ़ी परेशान हुई इस बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता मोहल्ले में भी पता चल गया कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। तो मेरे साथ मेरी वालदा और दो बहनें रहती थीं। अब मुझे नहीं पता मैं उनका भाई था या बहन था या क्या था। जब मैं आस्ता सा बड़ा होना शुरू हुआ, मेरी एज बढ़ना शुरू हुई, मैं स्कूल जाना शुरू किया मैंने, तो स्कूल में लड़के मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं परेशान होता था, मैं रोता था, लेकिन जब मैं घर वापस आता था तो मेरी वालदा मुझे समझाती थी, मुझे तसल्ली वगैरह देती थी और कहती थी कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे और भी वाकयात होते रहेंगे, तुम्हें अपना दिल बड़ा रखना है, तुम्हें मेहनत करनी है और एक अच्छा और काबिल इंसान बनना है। तो उसको कहना है कि पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा था, मैंने पढ़ाई लिखाई में अपना दिल लगा के रखा और मैं कॉलेज में पहुंच गया। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मेरे लिए मुश्किल का एक पहाड़ सामने खड़ा था। मेरी शक्ल काफ़ी खूबसूरत थी, जिसकी वजह से कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे छेड़ते थे, मुझे तंग भी करते थे और बाज़ अवकात काफ़ी किस्म के फ़िक्रे भी, जैसे बिल्लो रानी, छमक छल्लो वगैरह, इस तरह के जुमले कसे जाते थे। बाज़ अवकात जिस्मानी तौर पर भी तंग किया जाता था। लेकिन यहाँ से, कॉलेज से ग्रो करके मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ पे कुछ हद तक अच्छा वक्त शुरू हुआ और मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अब नौकरी की तलाश में निकला। मैं अपनी वालदा का सहारा बनना चाहता था। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो उनकी वालदा थी वो एक टीचर थी, और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उनकी पेंशन के जो पैसे वगैरह थे उसके साथ उसकी दोनों बहनों की शादी कर दी गई, और वालदा अब बीमार रहना शुरू हो गई। उनकी दवाई वगैरह के अखराजात भी थे, और उसका कहना है कि मैंने नौकरी तलाश करना शुरू की लेकिन मुझे जॉब कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैंने पुलिस में अप्लाई किया लेकिन मुझे ट्रांसजेंडर कह के निकाल दिया गया। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे महकमे में अप्लाई किया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। इसी तरह वो कहता है कि एक दिन मैं नौकरी की तलाश से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। कहते तब मेरे जो आंसू थे वो पानी के नहीं, वो खून के आंसू थे। मैं उनके सामने चीखा चलाया, मैंने माफ़ियाँ मांगी, मैंने हाथ जोड़े उनके सामने, लेकिन उनको तरस नहीं आया मुझ पे। वो अगवा करके मुझे एक जगह पे ले गए और मुझे उन्होंने नाचने का कहा कि नाचो। मैंने उन्हें कहा मैं नाचने वाला नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये मेरे पास डिग्रीज है मेरी, लिहाजा मुझे नाचना नहीं आता। उन्होंने मुझे गन दिखाई कि नाचो, तुम्हें नाचना पड़ेगा। मैंने उन्हें फिर कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ वगैरह मारे और मुझे मजबूर किया नाचने के लिए, और वहीं पे मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। कहते हैं कि तब मेरी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि मैं ये नहीं बनना चाहता था, मैं एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहता था और मैंने उसके लिए मेहनत भी की थी। इस सारी सूरत हाल के बाद उसे वापस उसके घर के सामने फेंक दिया गया, मुर्दा हालत में, नहीं मुर्दा हालत में। और कहते जब मैं वहाँ से उठ के अंदर गया, मैंने अंदर जाके अपनी वालदा को आवाज़ दी तो उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरी हालत पहले ही काफ़ी ख़राब थी,
मैंने जाके वालदा को दोबारा से आवाज़ दी, लेकिन वालदा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वालदा को हिलाया जुलाया देखा तो वालदा की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और आवाज़ पे कुछ मोहल्ले वाले कुछ पड़ोसी जब आ गए, उन्होंने आके देखा तो वालदा फोत हो चुकी थी। एक के बाद दूसरा सदमा उस वक्त मेरे ऊपर पड़ा, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया। और जहाँ पे उसके साथ ज्यादती की गई थी, वहाँ पे उसकी वीडियोस बनाई गई और उन वीडियोस को वायरल कर दिया गया। और जब वीडियोस वायरल हुई तो लोगों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया, उस पर फिक्रे कसना शुरू कर दिया। जहाँ पे वो जॉब करता था, कुछ टीचिंग वगैरह, वहाँ से उसे निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि उसे उसके मोहल्ले से, उसके घर से भी निकाल दिया गया, जो कि उसका अपना ज़ाती आबाई घर था। और वो कहते हैं कि मैं एक जगह फुटपाथ पे बैठा हुआ था, परेशान हालत में था, मेरे आंसू भी सूख चुके थे। एक ट्रांसजेंडर, एक शीमेल मेरे पास आया और आके कहते, तुम तो हमारी बरादरी के हो, तुम तो मुझे अपने जैसे ही लगते हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने मेरी हालत देखी तो उसे समझ आ गई कि मैं बेघर और बेआसरा हूँ। उसने कहा, चलो मेरे साथ चलो तुम। कहते मुझे तसल्ली हुई थोड़ी बहुत, मैं उठा और उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे एक बेहतरीन किस्म के, अच्छे खासे किस्म के घर में ले गया। वहाँ पे गए, वहाँ पे जो बाकी ख्वाजा सरा थे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी इज्जत अफजाई की, मेरी देखभाल की, मेरे साथ अच्छे लफ्ज़ों में बातचीत की। और मैं ये सोच के हैरान था कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। आज तक मेरे साथ इस तरह के मामलात कहीं भी नहीं किए गए थे, जितनी इज्जत और मोहब्बत और केयर के साथ मुझे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। तो उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, और उस अपने गुरु को बुला के कहा कि मुझे ये ऐसी हालत में फलानी जगह पे मिली है। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम किसकी चेली हो? मुझे नहीं पता था कि चेला क्या होता है, लिहाजा मैंने उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताया। जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया गुरु, तो उसने कहा कि तुम्हें तो बुखार है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, दवाई वगैरह दी। मैं 2 दिन से भूखा था और मुझे उन्होंने खाना ला के दिया, और वो नहायत मज़े का खाना था जो मैंने काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी दिनों के बाद खाया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर ज़िंदगी गुजारनी है बेटा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और हमारे पास यही एक फ़न है, आपको भी नाचना पड़ेगा। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, लेकिन मैंने नाचना सीखना शुरू कर दिया, और मैं नाचने के लिए गया। मेरी शक्लो सूरत काफ़ी अच्छी थी, और मैं अपनी शक्लो सूरत की वजह से काफ़ी मशहूर ख्वाजा सरा बन चुका था। लोग मुझे बुलाते अपने शादी ब्याह और फंक्शंस पे, और मुझ पे लाखों रुपए उड़ा दिए जाते थे। मेरे पास पैसे की भरमार होगी। मैं एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे बदनाम किया। और अब जब मैं मुकम्मल तौर पर बदनाम हो चुका था, तो लोग मुझे इज्जत देना शुरू हो गए। मैं एक सेलिब्रिटी बन चुका था। लोग मुझे अपनी शादी पे, अपने फंक्शन पे मनाने के लिए टाइम लिया करते थे। हमारे ही गांव के, जहां से मुझे निकाला गया, वहां के चौधरी के अपने बेटे की शादी पे मुझे बुलाया गया, और मुझ पे लाखों रुपए निछावर किए गए, और एक सेलिब्रिटी की तरह मेरे साथ बैठ के तस्वीरें वगैरह खिंचवाई गई। मैं एक दिन एक मोबाइल की शॉप पे खड़ा था, तो वहां पे एक लड़का अपना लैपटॉप लेके आया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जो सही नहीं हो रही थी। वो लड़का बताते खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन किसी को प्रॉब्लम समझ नहीं आई। तो मैंने कहा कि दिखाओ मुझे, मैं चेक करता हूँ। तो वो लड़का काफ़ी हैरान हुआ, वो मुझे जानता था, एक सेलिब्रिटी की हैसियत अख्तियार कर चुका था मैं। उसने कहा कि आप ठीक कर लोगे? मैंने कहा तुम दो मुझे। और कहते हैं कि मैंने 20 मिनट में वो लैपटॉप ठीक कर दिया, और वो लड़का काफ़ी हैरान हुआ। और मैं वापस अपनी कार में आके बैठ गया और अपने घर वापस आ रहा था। मैं काफ़ी थक चुका था, मुझे बुखार था, और मैं बुखार की हालत में नाचता रहा। लोगों को मेरी हालत, मेरा बुखार नज़र नहीं आया, लोगों को सिर्फ मेरा नाचना नज़र आया।
जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक की और मुझे एक ईमेल आई। और जब मैंने वो ईमेल चेक की तो वो एक जॉब की ईमेल थी जो आज से 2 साल पहले मैंने अप्लाई किया था। मुझे कनाडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई। उन्होंने मुझे वीज़ा स्पॉन्सर सब कुछ भेजा और मैं वापस कनाडा कनाडा के लिए रवाना हुआ। और मैंने अपने बालों को काटा, अपनी हालत दुरुस्त की और मैं ख्वाजा सरा से दोबारा समीर बना और कनाडा पहुंच गया। वहाँ पे जाके मैंने जॉब शुरू कर ली। वहाँ के लोगों ने मेरे काम को देखा, सराहा और जल्द ही मुझे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। और मैं हैरान था, मैं परेशान था कि यहाँ पे मैं ख्वाजा सरा क्यों नहीं हूँ। यहाँ पे लोगों ने मेरा काम देखा है, मेरी काबिलियत देखी है और मैं इस वक्त कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। लेकिन मैं तो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था, अपने मुल्क के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ख्वाजा सरा समझा गया। मुझसे हर आसाइश छीन ली गई, मुझसे हर खुशी छीन ली गई, मुझे कोई काम तक नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर था, ना कि ख्वाजा सरा। और अब मैं कनाडा में सेटल हूँ और यहाँ पे मैं पाकिस्तान के हिसाब से कम वही 7 से 8 लाख रुपया कमाता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, ख्वाजा सरा हमारे ही मुआशरे का हिस्सा है। अगर वो ख्वाजा सरा है तो ये उनका कसूर नहीं है। जैसे एक मर्द के अख्तियार में नहीं है कि वो मर्द पैदा हो, एक औरत के अख्तियार में नहीं है कि वो एक औरत पैदा हो, इसी तरह ख्वाजा सरा के अख्तियार में नहीं है कि वो ख्वाजा सरा पैदा हो। हाँ, ये हकीकत है कि एक ख्वाजा सरा कि उसका एक जो इंटरेस्ट है वो कुछ और चीज़ों में होते हैं, लेकिन वो भी इंसान होते हैं। एक ख्वाजा सरा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? मर्द एक्सेप्ट करेंगे, एज आ मर्द एक्सेप्ट किया जाएगा या एज आ औरत एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जा सकता, एज आ ख्वाजा सरा एक्सेप्ट किया जाएगा उसे। लेकिन उनके हकूक है, उनकी ज़िंदगी है, वो माशरे का हिस्सा है। आज आपको सड़कों पे ख्वाजा सरा मांगते हुए नज़र आएंगे और ये एक ऐब समझा जाता है। आपको ख्वाजा सरा नाचते हुए नज़र आएंगे, ये भी एक ऐब समझा जाता है। लेकिन ये उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें माशरा कबूल नहीं करता। जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में तो तंग किया जाएगा, वो हर्ट होते हैं, डिसहर्ट होकर छोड़ जाएंगे। अगर कॉलेज चले गए, अगर यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ पर कोई उनको पहुँचने नहीं देता। जब उनके पास तालीम नहीं होगी, उनके पास डिग्री नहीं होगी, तो वो उसके पास क्या होगा, वो क्या करेगा? अगर वो किसी होटल में काम करेगा तो वहाँ पे उसको तंग किया जाएगा। तो उसके पास नाचने के अलावा और मांगने के अलावा और कोई तरीका नहीं बचेगा अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर आपके इलाके में, आपके कुर्बो जवार में कोई ख्वाजा सरा मौजूद है तो आपसे रिक्वेस्ट है, उसकी इज्जत कीजिए, उसका सहारा बनिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसके साथ खड़े हुए। हो सकता है आने वाले वक्त में वो एक मुआशरे का बहुत ही अच्छा और नेक इंसान बने और मुआशरे के लिए नहायत फ़ायदेमंद साबित हो। आज तक के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें।